दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नताशा को तो राजी से बेहद मोहब्बत हो चुकी है। नताशा ने राजी से भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था, जबकि अपनी मामा को भी ये बता दिया था कि मैं राजी के बगैर नहीं रह सकती। अब शीना तो हर मुमकिन कोशिश करती है कि राजी और नताशा की शादी हो जाए, लेकिन सफदर साहब कहता है अगर राजी शादी से खुश नहीं है तो मैं किसी भी सूरत राजी को फोर्स नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपनी ही बेटी को समझाऊँगा। और जब हर तरफ से नताशा को ना हो जाती है तो नताशा राजी को ब्लैकमेल करती है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं यहाँ से छलांग लगा दूँगी। राजी रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन नताशा छलांग लगा देती है, जिसके बाद नताशा को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। तो दोस्तों ये सब कुछ देखेंगे आप आने वाली एपिसोड में।